कोई बीमारी या फिर भूत का साया? जी हां, यही सवाल उत्तराखंड के बागेश्वर में पढ़ने वाली छात्राओं को देखकर हर किसी के दिमाग में आने लगा है। यहां लड़कियां चीख रही थी, चिल्ला रही थी और ऐसी हालत में एक दो नहीं बल्कि पूरे स्कूल की लड़कियां थी। टीचर्स को जब यह मामला विज्ञान से परे लगा तो यहां तांत्रिक को बुलाया गया, मगर लड़कियों की हालत में कोई भी सुधार होते नहीं दिख रहा था। डॉक्टर्स की माने तो ये मामला मास हिस्टेरिया का हो सकता है। वहीं गांव के लोग इसे प्रेत आत्माओं से जोड़कर देख रहे थे। गंगुआ पी नामक यूट्यूब चैनल के ये घोस्ट हंटर थाईलैंड के जंगलों के बीच मौजूद एक भूतहा इमारत को एक्सप्लोर करने निकले थे। यहाँ आकर उन्होंने पहले अपने देवताओं को याद किया ताकि उनके साथ कोई अनहोनी घटना ना हो, और यह शायद उनका पूजा पाठ ही था जिसने एक अनजान चीज को उनके सामने आने पर मजबूर कर दिया। अचानक उनके पीछे एक परछाई दीवार पर चढ़ती नजर आई, जिसके दर्शन करते ही इन लोगों की भूत से मिलने की इच्छा पूरी हो गई और वो यहाँ से भागते दिखे। रेगिस्तानी इलाके में इस शख्स ने एक सूखे कुएं के अंदर से कुछ आवाजें आती सुनी। इन आवाजों से ऐसा लग रहा था मानो बहुत से जानवर इसके अंदर जा गिरे हैं, लेकिन इस सुनसान और बंजर जगह पर ये जानवर आखिर आए कहां से? मुमकिन है या तो किसी ने इन जानवरों को कुएं के अंदर धकेला है, या फिर कुछ दर्शकों के अनुसार हो सकता है खोखली जमीन के नीचे से होती हुई ये आवाजें किसी अन्य जगह से आ रही है। वैसे किसी अन्य जगह से तो ये आवाजें आने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि कुएं के अंदर की इस फुटेज को जब हमने थोड़ा इनहेंस किया तो इसके अंदर बहुत सी आंखें जगमगाती दिखाई दी। इस बदनाम भूतहा कस्बे में घूमते हुए हान कार्डेसलर और उसके दोस्तों ने सोचा भी नहीं था कि यहाँ कोई इंसान भी रहता होगा। यह बुढ़िया इन लोगों को अपने घर पर आने का न्योता दे रही थी, लेकिन अंदर जाने से पहले इन सभी के पांव घर के बाहर खड़े एक काले साए को देखकर रुक गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उन्होंने पूछा कि ये जनाब कौन है जिनकी बस परछाई दिखाई दे रही है, तो बुढ़िया ने बताया कि ये उसका आशिक है। Abi, ne oluyor? Şaka mı bu? Baksana, adama baksana kanka. Çok tuhaf, çok. Oğlum, la ilahe.
कुछ सेकेंड्स अंदर जाके आने के बाद ये बुढ़िया मानो पगला गई और उन्हें यहाँ से चले जाने को कहने लगी। अदम चढ़ सकते। यहाँ से जाते समय वही काला साया उन्हें खिड़की के अंदर खड़ा दिखाई दिया। इस वायरल वीडियो के नीचे कमेंट करके कुछ दर्शकों ने सवाल पूछा कि अंधेरे घर में आखिर ये परछाई बन कैसे रही है। वहीं कुछ की माने तो ये एक जिन्न था जिसने इस बुढ़िया को अपना गुलाम बनाया हुआ है। अक्सर भूतहा घटनाएं सुनसान पड़े खंडहर और कब्रिस्तान जैसी जगहों पर देखने को मिलती है, तो क्या इसका मतलब यह है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर भूतों की शक्तियां काम नहीं करती? इसी सवाल का जवाब आपको मिलेगा इस नेक्स्ट वीडियो में, जिसे डेली पाकिस्तान ग्लोबल नामक यूट्यूब चैनल पर हाल ही में अपलोड किया गया है। पाकिस्तान के एक रेस्टोरेंट में बैठा ये लड़का बता रहा है कि यहाँ उसने अपने सामने पड़ी कुर्सी को अभी अभी हिलते हुए देखा है। उसके बोलने के साथ ही ये कुर्सी एक बार फिर से हरकत करती है और ये दोनों लड़के यहाँ से निकल लेते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद से कुछ लोग अनुमान लगा रहे हैं कि शायद ये स्टंट रेस्टोरेंट को मशहूर करने के लिए किया गया है। पर अगर रेस्टोरेंट इस तरह से मशहूर हो भी गया तो क्या लोग इसमें बैठना चाहेंगे? बस कंडक्टर के बार बार पूछने के बावजूद ये महिला नहीं बता रही थी कि उसे आखिर जाना कहाँ है। ऐसे में बस कंडक्टर और ड्राइवर ने उसे अपना चेहरा दिखाने को कहा। चेहरे क्यों नहीं दिखा रहे हो? चेहरे में क्या दिक्कत है आपको? चेहरा दिखाने में क्या दिक्कत है आपको? जाना तो चेहरा तो चेहरा नहीं है ना, चेहरा कहाँ गया आपका? जय जय जो भी चेहरे को आपका चेहरा चेहरा ही नहीं है। जी हाँ, उसका चेहरा नहीं था। ऐसे में डरकर कंडक्टर ने कहा आप बस से नीचे उतर जाओ, मगर वो नहीं मानी। उतर जाओ। जब वो नहीं मानी तो पास ही खड़े पुलिस वालों को इसकी इत्तला दी गई। पर सर देखना जरा, जिसकी औरत कोई लेडीज कर गई है, चेहरा ही पता नहीं है। एक बार आप आ जाओ, चेहरा नहीं है, बिल्कुल ही चेहरा ना है। मगर तब तक ये महिला बस से नीचे उतरकर कहीं जा चुकी थी। अब सवाल उठता है कि उसका चेहरा क्यों नहीं था? क्या वो कोई भूत थी? और अगर भूत थी तो क्या अब भूत भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बस की सवारी करना पसंद करते हैं? यह अगला वीडियो किसी अनसुलझे रहस्य की तरह है, जिसमें बुर्का पहनी हुई एक महिला लगातार सीमेंट से बनी दीवार पर अपनी उंगली मार रही है। शायद वो बताना चाह रही है कि इस दीवार के अंदर कोई चीज मौजूद है, जिसकी बात मानकर हथौड़े से दीवार को तोड़ा जाता है। दीवार में खड्डा होने के बाद भी वो पागलों की तरह उसी जगह अपनी उंगली से इशारा कर रही थी, जिसके अंदर से बाद में लोहे की एक कील निकलती है और साथ ही उन्हें इसके अंदर से एक कपड़ा भी बरामद होता है।
बताया जा रहा है कि इस महिला के शरीर पर एक अच्छे जिन ने कब्जा कर लिया था और वो जिन बता रहा था कि किसी ने उनके घर पर काला जादू किया है। अपना काम करवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते काटते शायद कोई आम आदमी मर गया और आज उसने भूत बनकर अपना बदला लेने की ठानी है। इस दफ्तर में लगे सिक्योरिटी कैमरा में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। बेशक ये भूत काफी शरीफ था, उसने महज यहां पड़ी कुर्सियां हिलाई और यहां मौजूद लोगों का कलेजा हिल गया। एक तरफ जहां वैज्ञानिक मौजूदा तकनीक के इस्तेमाल से अन्य ग्रहों पर जीवन के संकेत खोज रहे हैं, वहीं कुछ लोग मानते हैं कि ये अन्य ग्रहों के जीव ना सिर्फ धरती पर आते हैं बल्कि वो इंसानों का अपहरण करके उन पर एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहे हैं। ये वायरल सीसीटीवी फुटेज इसी बात का सबूत बताया जा रहा है। यहाँ दो लोग रात के समय अपने घर के बैकयार्ड में बैठकर बातें करते हुए दिखाई देते हैं और फिर उनके साथ एक अजीब हादसा होता है। वो बैठकर ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे थे तभी उनका ध्यान अपने आसपास के वातावरण में अचानक हुए बदलाव पर गया और देखते ही देखते कुर्सी पर बैठी महिला बिजली जैसी चमक के साथ गायब हो गई। इस घटना से घबराया हुआ आदमी समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर यहाँ हुआ क्या है। वैसे बता दे, इस प्रकार की यह पहली घटना नहीं है। दुनिया भर में आपको ऐसे अनेकों लोग मिल जाएंगे जो कहते हैं कि उनको एलियंस ने किडनैप किया था और यहाँ तक कि कुछ महिलाएं तो एलियंस के साथ सेक्स करने का भी दावा कर चुकी है। तो क्या ये एलियंस के द्वारा इंसानों का अपहरण करने की एक सच्ची घटना है? और अगर हाँ तो फिर इस शख्स ने आखिर अभी तक दुनिया के सामने आकर अपनी आप बीती क्यों नहीं सुनाई? बहुत से लोगों के मन में डर होता है कि कहीं उन्हें जिंदा ही ना दफना दिया जाए। खबरों की माने तो हंडुरस में रहने वाली इस लड़की के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। एक रात इस जवान लड़की के मुंह से अचानक झाग निकलने लगे और उसकी मौत हो गई। सुबह पूरे रीति रिवाजों के साथ उसके शरीर को ताबूत में रखकर दफना दिया गया, लेकिन दफनाए जाने के एक दिन बाद लोगों को उसकी कब्र से आवाजें आती सुनाई देने लगी, जिसके चलते कब्र को तोड़कर इस लड़की के शरीर को हॉस्पिटल ले जाया गया, पर डॉक्टर्स उसे नहीं बचा पाए। मतलब कि शायद इस लड़की को जिंदा ही दफना दिया गया था या फिर वो मरकर जिंदा हो गई। ब्रायन नामक व्यक्ति ने इस अगले वीडियो को रेडिट पर अपलोड करते हुए बताया कि मैं एक कार निर्माण करने वाली फैक्ट्री में काम करता हूं। यहां मेरे साथी कर्मचारी एक के बाद एक बीमार पड़ रहे हैं और हमने यहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कुछ अजीब चीजें होती देखी है। कहीं
ब्रायन बताता है कि यह हवा की वजह से नहीं हुआ था, ना ही रात में कोई कर्मचारी काम पर था। ब्रायन के अनुसार कर्मचारियों के बीमार पड़ने से कुछ ही दिन पहले एक बूढ़ी महिला फैक्ट्री में लोहे का कबाड़ मांगने आई थी, जिसका इन कर्मचारियों ने मजाक उड़ाया। फैक्ट्री से बाहर जाते हुए वो बुढ़िया गुस्से में कुछ मंत्र पढ़ते जा रही थी। उसी दिन के बाद से यहाँ काम करने वाले लोग बीमार पड़ने लगे और सीसीटीवी में ना सिर्फ फैक्ट्री के अंदर बल्कि इसी दौरान बाहर भी कुछ दिखाई दिया। यहां सड़क पर चलते इस शख्स को देखकर कुत्ते भौंक रहे थे, मगर कुत्तों ने उसका पीछा नहीं किया क्योंकि शायद वो समझ चुके थे कि अदृश्य होते इस व्यक्ति का पीछा करना बेकार है। तो क्या इन कर्मचारियों के बीमार होने और सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई इन घटनाओं का आपस में कोई संबंध है? शायद आजकल भूत भी फुटबॉल मैच देखने का शौक फरमाते हैं। अब इस अगले वीडियो को देखकर तो कुछ ऐसा ही लगता है। दावा है कि तमिलनाडु के एक फुटबॉल स्टेडियम के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में मैच देखकर जाते हुए दर्शकों के साथ ही एक आत्मा भी रिकॉर्ड की गई है। इन दर्शकों के बीच से यह परछाई गुजर रही थी, जिसकी मौजूदगी का एहसास यहां किसी को भी नहीं हुआ। लोग अपनी मस्ती में चले जा रहे थे, हालांकि सीसीटीवी कैमरे में यह परछाई कैद हो गई। तो इसे देखकर आपको क्या लगता है, क्या यह सचमुच एक भूत था? और अगर हां तो क्या भूत लोग भी फुटबॉल मैच देखने जाया करते हैं? क्या आपकी इंद्रियों ने कभी आपके साथ छलावा किया है, जैसे आपको लगा हो किसी ने आपका नाम पुकारा है जबकि उस समय आपके आसपास कोई भी ना हो? ब्राजील के इस रियलिटी टीवी शो में सीधा नामक प्रतियोगी के साथ कुछ ऐसा ही होता दिखाई दिया। Cida? Aonde? 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 Quem tá chamando? É na casa? Cida. Ah, vem cá. É você que tá chamando? É. Ai, que susto. सीदा ने अपनी बहन की आवाज सुनी थी। उसे लगा था जैसे उसकी बहन उसे पुकार रही है। मुमकिन है ये उसका वहम था, मगर ये बात भी सत्य है कि ठीक उसी दोपहर को कैंसर से पीड़ित सीदा की बहन ने अपने प्राण त्याग दिए, वो भी इस घटना के महज 30 मिनट पहले। तो क्या सीदा की बहन अंतिम बार उससे बात करना चाहती थी? बताया जा रहा है इस जनाजे में एक दो नहीं बल्कि कई जिन्नात को शिरकत करते रिकॉर्ड किया गया है।
ध्यान से देखने पर मालूम होता है कि इस अर्थी को छूने वाले लोगों में से कुछ के हाथ हद से ज्यादा लंबे हो रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अर्थी के आगे पीछे होने के साथ साथ इनके हाथ 10 फीट तक स्ट्रेच हो रहे थे, जो करना किसी इंसान के बस की बात तो कतई नहीं है। तो क्या इंसानों के साथ जिन्नात भी जनाजे में शामिल होते हैं, या फिर योगा करके इन लोगों ने अपने शरीर को कुछ ज्यादा ही लचीला बना लिया है? ये वीडियो मेक्सिको सिटी मेट्रो स्टेशन का बताया जा रहा है। रात के 2 बज रहे हैं और इस बदनाम भूथा स्टेशन पर चलते हुए ये रेलवे कर्मचारी एक बच्चे को ढूंढ रहा है। एक ऐसा बच्चा जो काफी देर से शोर मचाकर उन्हें परेशान कर रहा है। एक छोटे लड़के के चिल्लाने की आवाज यहां गूंज रही थी। ये वर्कर उस दिशा में आगे बढ़े जा रहा था जहां से उसके हिसाब से ये आवाज आ रही थी। जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ जा रहा था, वैसे वैसे ये आवाज तेज होते जा रही थी। रेलवे कर्मचारी भी बच्चे को आवाज लगाकर पूछ रहा था कि तुम कौन हो और कहां हो। हम देश इसके बाद ये वर्कर पूरे स्टेशन को छान मारता है, मगर उसे यहां कोई बच्चा नहीं मिलता। अब सवाल उठता है कि रात 2 बजे एक अकेला बच्चा आखिर यहां क्या कर रहा था। वैसे देखा जाए तो बहुत से लोग मेक्सिको के इस मेट्रो स्टेशन को हॉन्टेड मानते हैं और वो कहते हैं कि ये किसी बच्चे की आवाज नहीं थी। हॉन्टेड लोकेशन को एक्सप्लोर करते हुए यूट्यूबर जस्सी संधु एक ऐसी जगह पर आ पहुंचे जो कि खूनी दर्रे के नाम से बदनाम है। जो काफी स्लिपी है। दोस्तों, ये एक हॉन्टेड दर्रा है जिसमें कहते हैं कि एक चुड़ैल दिखाई देती है। खूनी दर्रा इसको बोलते हैं। जस्सी बताते हैं कि यहाँ आसपास गांव में रहने वाले लोग इस जगह पर एक चुड़ैल के होने का दावा करते हैं। गांव वाले बहुत परेशान हैं, बहुत से कांड हो चुके हैं। कहते हैं कि यहाँ पर जो भी आता है निकल नहीं पाएगा रात। अंधेरी रात में जस्सी चुड़ैल के प्यार में पागल आशिक की तरह भटक रहे थे कि तभी उन्हें एक आवाज सुनाई थी। ओए। होने? उसने रोने की इस आवाज का पीछा किया, पर बाद में जस्सी को एहसास हुआ कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कौन है? ओ, 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 ये क्या? ओ, ओ। रोने की वो आवाज अचानक चीखों में बदल गई। जस्सी ने देखा कि चमकदार आंखों के साथ उसके सामने कोई खड़ा था। इस चुड़ैल को देखकर जस्सी वहां से भाग निकले। ओ, 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 ये क्या? ओ, ओ। जस्सी और चुड़ैल की इस मुलाकात का पूरा वीडियो देखने के लिए आप उनके चैनल जस्सी संधु ऑफिशियल को विजिट कर सकते हैं। मैं लो आ रहा हूँ।
चिले की रहने वाली अरियाना नामक लड़की सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम कर रही थी। दरअसल अरियाना के घर के पास एक सड़क हादसा हुआ था जिसमें उसकी जान पहचान का एक लड़का मारा गया और इसी वजह से वो दुखी हो रही थी। Me da pena por la familia de este niño. Ese fue el ruido que escuchamos delante. Y lo dejaron botado. Y lo dejaron botado. बता दें, इस तरह के हादसे के बाद दुर्घटना स्थल पर पुलिस के अलावा किसी अन्य इंसान को आने नहीं दिया जाता, खासकर किसी छोटे बच्चे को तो बिल्कुल भी नहीं। इसके बावजूद अरियाना के इस लाइव वीडियो में एक लड़की कुछ सेकंड्स के लिए दिखाई दी। इस फुटेज को पुलिस के पास भी ले जाया गया लेकिन उन्होंने अपने पास किसी लड़की के होने की बात को पूरी तरह से नकार दिया। बाद में पता चला कि इस लड़की की एक चचेरी बहन की मौत भी कुछ इन्हीं हालातों में हुई थी। इसी वजह से लोग इन दोनों घटनाओं के बीच संबंध खोजने लगे। डी डॉक मिकॉल साउथ कोरिया का एक मशहूर घोस्ट हंटिंग यूट्यूब चैनल है। भूतहा जगहों को एक्सप्लोर करते हुए इस चैनल का घोस्ट हंटर एक ऐसे खंडर हो चुके अस्पताल में जा पहुंचा जिसे साउथ कोरिया का सबसे हॉन्टेड हॉस्पिटल कहा जाता है। इसके अंदर दाखिल होते ही उसे गंभीर रूप से अजीबोगरीब गतिविधियों का सामना करना पड़ा। साउथ कोरिया के इस सबसे हॉन्टेड हॉस्पिटल में मरीजों के लिए बनाए गए बिस्तर में ही मानो जान आ गई। फिर भी घबराया हुआ यह लड़का इसकी हकीकत जानने के लिए कमरे के अंदर घुस गया। साफ तौर पर यह एक चेतावनी थी कि उसे अब यहां से चले जाना चाहिए, मगर जब वो इस चेतावनी को नहीं समझा तो वो चीज भी उसके सामने आ गई जो कि उसे यहां से भगा देना चाहती थी। अपनी तरफ बढ़ते इस काले साये को देखकर इस घोस्ट हंटर की चड्डी पीली हो गई। किसी तरह वो अपने उपकरण उठाए बगैर यहां से बाहर भाग निकला और बाहर आकर भी उसे वो साया एक बार फिर से दिखाई दिया। मुमकिन है ये साया अब इस घोस्ट हंटर को गुड बाय बोलने आया था। क्रिश हिल नामक ये घोस्ट हंटर एक पुरानी कंपनी के खंडर हो चुके गोदाम की छानबीन करने निकला है। इस जगह पर भले ही अब वर्कर्स काम नहीं करते मगर कहते हैं कि यहां आज भी स्थानीय लोगों को रात में कुछ वर्कर्स घूमते दिखाई देते हैं। इस वेयर हाउस में हर तरफ घूम लेने के बावजूद क्रिस को यहां कोई डरावनी चीज नहीं मिली, पर फिर उसे एक अन्य रास्ता दिखा। अंडरग्राउंड जाती हुई इन सीढ़ियों पर क्रिस चल पड़ा। नीचे पहुंचकर उसने देखा कि एक कमरे के अंदर संकरा रास्ता बना हुआ है जिसका कोई अंत दिखाई नहीं देता। इसके अंदर दाखिल होते ही क्रिश को एक अजीब सा एहसास हुआ। वो समझ नहीं पा रहा था कि अंदर का टेम्परेचर इतना ठंडा क्यों है।
फिर भी कंफ्यूज्ड और डरा हुआ क्रिश बिना ये जाने आगे बढ़ता रहा कि ये रास्ता उसे कहां लेकर जाने वाला है। आगे बढ़ते हुए वो एक खुले एरिया में पहुंच गया जो कि उस संकरे गलियारे से तो कम ही डरावना था। हालांकि इसी जगह पहुंचकर क्रिश को सबसे खौफनाक अनुभव से गुजरना पड़ा। बता दें, हर एक जगह को एक्सप्लोर करते समय क्रिश साधारण कैमरे के अलावा एक इंफ्रारेड कैमरा भी अपने पास रखता है। यहां पहुंचकर भी उसने अपने कैमरे सेट कर दिए थे, जिसके बाद वो इस जगह को एक्सप्लोर करने लगा और फिर कुछ ऐसा देखने को मिला। अगर यहाँ इंफ्रारेड कैमरा नहीं होता तो शायद क्रिश अपने इस अजीब अनुभव को महज अपना वहम समझ लेता। मालूम हुआ धुएं जैसी कोई आकृति उसके पीछे मंडरा रही थी, जिसकी मौजूदगी का एहसास होते ही क्रिश पीछे मुड़ा। इसी के साथ कमरे के एक कोने में कोई खड़ा दिखाई दिया, कोई ऐसा जो शायद उसके ऊपर नजर बनाए हुए था। क्रिश के मुताबिक वो नहीं जानता कि यह क्या चीज थी, मगर उसके दर्शक कहते हैं कि यकीनन यहाँ कोई अलौकिक जीव रहता है और क्रिश को दोबारा इस जगह पर नहीं जाना चाहिए। ओर्टेगा सालास को हार्ट अटैक आया था। वजह थी उसके घर में होने वाली विचित्र घटनाएं, जिसका उसने वीडियो भी रिकॉर्ड किया था। Lo más que se pueda en cuestionamientos de las cosas que se mueven, tratando de... Mira, ahí está el primero. Ahí está el primero y eso es lo que me da... Eso es lo que me da miedo. No sé lo que pasa. Tratando de... Este mundo es el cuarto de los niños, pero de hecho tratamos de captar lo más que se pueda mover. Pero al final, ahí está el primero. Ahí está el primero. No sé qué está pasando. Dios, tratando de ser pues, lo más que se pueda captar. Como les digo, es el cuarto de los muchachos y tengo miedo de que ellos, Dios, tratando de hacer lo más que se pueda. Él se empezó a mover muy leve, no sé qué pase realmente. Como pueden ver, aquí no hay nadie en ver. Absolutamente nadie. Bueno, Gámica. Ahí se movió el patín ya. Ahí está. Ahí está. Dios. Ahí se acaba de caer. Eso es lo que pasa en este caso. यहाँ घर में पड़ी निर्जीव चीजों में हरकत होना तो मानो ओर्टेगा के लिए आम बात हो चुकी थी। वो डरते हुए भी अपने दिन व्यतीत कर रहा था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उसे अपना ही घर छोड़कर भागना पड़ा। Si tú eres la... Dios santo. Dios, Dios.
तो यह थी कैमरे में रिकॉर्ड कुछ डरावनी घटनाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।